अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने वीडियो बनाया है, जब हम हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले दावत करते हैं लोगों की, इस टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया है। देखिएगा, हज और उम्रा जब हम करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर वालों को या रिश्तेदारों की हम दावत करते हैं, खाने पर बुलाते हैं। जबकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हज उम्रा करने से पहले सब लोगों को दावत देना ज़रूरी है, क्योंकि हज उम्रा जो है वो भी अल्लाह ताला की इबादत है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या हम सबको बुलाते हैं कि घर वाले आ जाओ, रिश्तेदार आ जाओ कि हमें, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आपकी दावत है, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हम दावत करें। जैसे नमाज इबादत है, ऐसे ही हज उम्रा भी इबादत है। तो आप कोशिश ये करें, जो पैसा हम फालतू कामों में लगा रहे हैं, दावत में लगा रहे हैं या किसी भी काम में लगा रहे हैं, वो इतना ही पैसा हम गरीब के काम लाएं, जो कि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद के काम आए वो पैसा, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको उसका डबल सवाब मिल जाएगा। दावत करने से आपको सवाब नहीं मिलेगा, खाना तो सब खाते ही है, लेकिन अगर हमारा पैसा, अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, तो वो फालतू पैसा हम किसी ज़रूरतमंद के काम लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये किसी भी हदीस में नहीं लिखा है कि आप हज उम्रा करने जाओ और पहले दावत करो। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, आप उन तक ये बात पहुंचाएं। चलिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ कायम करिए। अल्लाह हाफिज़।